अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम जानेंगे क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल जेल जिसे कैंडिड वी जेल कहा जाता है, इसे कब यूज करना चाहिए और कैसे यूज करें इस वीडियो में जानेंगे। ये जेल 30 ग्राम का होता है, 100 टू 120 रुपीस में आपको मिल जाएगा। इसके साथ एक एप्लीकेटर आता है, इसी एप्लीकेटर से जेल यूज करना चाहिए। जब भी आप जेल लेते हो पहले इसका एक्सपायरी डेट चेक कर लेना चाहिए। इसके बॉक्स के ऊपर सब कुछ मेंशन किया गया है किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। इसे किस लिए यूज किया जाता है पहले हम वो जान लेंगे। जिसे इंटरकोर्स के दौरान बेहद पेन होता है और वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन होता है, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन जिसे होता है, उसके साथ साथ वेजाइना के पास इचिंग बर्निंग सेंसेशन जिसे होती है, उसे डॉक्टर इसे यूज करने के लिए कहते हैं। आपको हद से ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होने लगे या वाटरी वाइट डिस्चार्ज होने लगे, वाइट डिस्चार्ज में आपको स्मेल आने लगे, इसका मतलब कि आपको वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। ये जो वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन होता है जब कम हो तभी आपको इसे क्यूर कर लेना चाहिए, वरना आपको अगर हद से ज्यादा वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो आपके वेजाइना के पास इचिंग बर्निंग, उसके साथ साथ यूरिन पास करते वक्त आपको जलन हो सकती है और रैशेस हो सकते हैं। नॉर्मल टाइम पे आपको वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत होते रहेगा, लेकिन जब आप इंटरकोर्स करोगे तब आपका वेजाइना वेट नहीं होगा, ड्राई होगा, इसका मतलब कि आपको वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। इस तरह का आपको अगर प्रॉब्लम होने लगे तो आप फौरी डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो जेल है इसे कितने ग्राम लेना चाहिए। कुछ पेशेंट्स को 3 ग्राम जेल लेने के लिए कहते हैं और कुछ पेशेंट्स को 5 ग्राम जेल लेने के लिए कहते हैं। हर एक का प्रॉब्लम अलग होता है, उस तरह से वो डॉक्टर्स प्रॉब्लम देखकर जितने ग्राम जेल लेने के लिए कहेंगे उतना ही ग्राम आपको इस एप्लीकेटर में जेल लेना चाहिए और इसे वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना चाहिए। जिस तरह से मैं वीडियो में बता रही हूँ उस तरह से आपको वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना चाहिए। जिस तरह से हम इंजेक्शन भरते हैं उसी तरह से इस जेल को इस एप्लीकेटर में भरना चाहिए, और जिस तरह से हमें इंजेक्शन देते हैं उसी तरह से इस एप्लीकेटर से जेल को हम वेजाइना में इंसर्ट करेंगे। इसे जब भी आप यूज़ करते हो दोनों हाथ अच्छे से धो लेना चाहिए, उसके बाद आप इसे यूज़ करना होता है। इसे यूज़ करने के बाद इस एप्लीकेटर को नॉर्मल पानी से वॉश करना चाहिए, गर्म पानी से बिल्कुल भी वॉश नहीं करें। इसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर इसी बॉक्स में इस तरह से रख लेना चाहिए। बिना हाथ धोए के आप इसे यूज़ करते हो तो जो इन्फेक्शन है वो और बढ़ सकता है। इसे आप वेजाइना के अंदर इंसर्ट करने के साथ साथ वेजाइना का जो सरफेस होता है उसके ऊपर भी आप इसे लगा सकते हो, जहां पर आपको रैशेस इचिंग बर्निंग होती है वहां पर वेजाइना के ऊपर आप उंगली के मदद से लगा सकते हो। इसे यूज करने के बाद आप सेक्सुअली एक्टिव बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो। जब तक आपका वेजाइनल इन्फेक्शन खत्म ना हो जाए तब तक आपको सेक्सुअली एक्टिव नहीं होना चाहिए, वरना आपके पार्टनर को भी इन्फेक्शन हो सकता है। आपको लेटकर जेल एप्लीकेटर के साथ वेजाइना में इंसर्ट करना होता है। इसे लगाने के बाद 5 मिनट तक उसी तरह से लेटे रहना चाहिए। अगर आप फौरी उठ जाओगे तो वो जो जेल होता है वो मेल्ट होकर निकल सकता है। 5 मिनट के बाद आप उठ सकते हो। नाइट में आपको इसे लगाकर सो जाना चाहिए, ये अच्छे से वर्क करेगा। डॉक्टर आपको जितने दिन यूज करने के लिए कहेंगे उतने दिन ही आपको इसे यूज करना चाहिए। जिसे वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन हो उन्हें टाइट कपड़े लेगिंग्स वगैरह नहीं पहनना चाहिए, कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। उसके साथ साथ जब भी आप यूरिन पास करोगे वेजाइना को अच्छे से गुनगुने पानी से क्लीन करना चाहिए, उसके बाद एक कॉटन क्लॉथ या फिर टवल से आपको वेजाइना को क्लीन करना चाहिए। वेजाइना को बिल्कुल भी वेट नहीं रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, इससे जो वेजाइनल इन्फेक्शन होता है वो जल्द से जल्द कम हो सकता है। वेजाइना को आप क्लीन नहीं करोगे, वेट रखोगे तो वो जो इन्फेक्शन होता है वो और बढ़ सकता है, इचिंग बर्निंग आपको और हद से ज्यादा होने लगेगी, इसीलिए आपको हमेशा वेजाइना को क्लीन रखना चाहिए। वेजाइनल जेल यूज करने के बाद आपको इचिंग बर्निंग हद से ज्यादा होने लगे फौरी इसे स्टॉप करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको दूसरा ट्रीटमेंट देंगे। आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।